हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दिए गए संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई संख्या दे देगा और कहेगा इसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। जैसे देखिए, समझिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे ये 12 है, ठीक है, और कहेगा कि 12 के वर्ग का इकाई अंक पूछ दिया, ठीक है, इकाई अंक, तो कहेंगे सर ये तो आसान है, क्योंकि 12 का वर्ग आप जानते हैं कि 144 होता है, 12 × 12 = 144। तो अब इसका इकाई अंक, तो इधर से ये इकाई है, तो इकाई अंक कितना हो गया, 4 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया, 4, केवल इकाई अंक पूछ रहा है, 4 हो गया, क्योंकि आसान है। लेकिन फिर देखिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि 25 का कितना होगा, तो 25 का भी आपको याद है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 25 के वर्ग का इकाई अंक की बात करें तो यह जो होगा वो क्या होगा, 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और इसमें इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो आप कहेंगे 5 होता है। लेकिन बड़ी बड़ी संख्या पूछ ले, जैसे ऐसे पूछ ले, इसका पूछ ले कि इसका वर्ग का इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए क्या होगा इकाई अंक, तो कुछ नहीं करना है। देखिए, जो संख्या दिया हुआ है ना, उसके इकाई अंक को उठाइए, पूरे संख्या का वर्ग करने की जरूरत ना है। ये तो आप समझाए कि याद है, तो आप आसानी से स्क्वायर किए और आसानी से 5 निकाल दिए। आपसे इकाई ना पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं ना पूछ रहा, इसलिए आप इकाई संख्या को लीजिए, ठीक है, जो इकाई संख्या उसका वर्ग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए। तो 8 का वर्ग कितना होगा इकाई अंक, तो यहाँ पे 8 का वर्ग होता है कितना, 8 का वर्ग कर दीजिए, ये होता है 64, और 64 में ये 4 हो गया, इकाई अंक आपका 4 आ गया डायरेक्टली, है ना, सीधा सवाल। उसी तरह से इसका पूछ ले, आपका यहाँ पे 2676 है, इसका वर्ग पूछ ले, तो इसका इकाई अंक पूछ रहा है, का इकाई अंक, है ना, इसका इकाई अंक आपसे पूछे तो क्या करेंगे आप, सीधा सा आपको इकाई अंक उठा रहा है, 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग कर लेना है, यानी कि 36 होता है, और 36 में इकाई अंक कौन होगा, 6 हो गया, बस निकल गया, कोई भारी बात है नहीं ना। फिर देखिए, यहाँ पे ऐसा लिख लिया 269 के वर्ग का इकाई अंक, इसका इकाई अंक आपसे पूछ रहा है, तो आप बता देंगे एकदम जल्दी से क्या करना है, 9 है, 9 का वर्ग कर देंगे, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है, 81 होता है ना, तो और इसमें इकाई अंक कौन है, 1 है ना, इसका इकाई अंक 1 हो गया। तो आपने कंसेप्ट समझ लिया, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 102 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा बताइए, इकाई अंक कितना, तो आपको क्या देखना है, इकाई संख्या देखना है, जो संख्या दिया उसमें, और इकाई अंक कितना है, 2 है, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे इकाई अंक 4 दे देना, सीधा सवाल डायरेक्ट आ गया ना। फिर देखिए, यहाँ पे 2, 5, 6, 7 दे दिया, यहाँ पे इतना का वर्ग का इकाई अंक पूछा, का इकाई अंक पूछा, तो कितना होगा बताइए ना, इकाई अंक कितना है, 7 है, 7 का वर्ग कितना होता है, याद है ना आपको, बिल्कुल 49 होता है, और 49 में इकाई अंक देखिए ना कितना होता है, 49 में इकाई अंक, ये 49 है, इसमें इकाई अंक कौन होता है, 9 होता है, इसीलिए इसका वर्ग का जो इकाई अंक आएगा वो 9 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना एकदम आसान। तो आप समझ गए होंगे, तो आपके लिए 2 सवाल हम आपको देते हैं, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला कि 6214 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। दूसरा है 10001 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्यों, क्योंकि जब आप सीख गए होंगे तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, और आसान हो गया, आप आसानी से हमें कमेंट में दे जवाब, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप सीखे कि नहीं। अगर नहीं सीखे तो फिर से मैं वीडियो बना के बताऊंगा, जो कहाँ दिक्कतें हुई आप हमें बताइए, तो इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।